आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। काशी फिल्म महोत्सव का हुआ आगाज, 3 दिन तक चलेगा फिल्म महोत्सव। हेमा मालिनी समेत कई कलाकारों ने की शिरकत। कैलाश खेर के गीत पर जमकर थिरकी दिखी वाराणसी की जनता। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में हुआ काशी फिल्म महोत्सव का आयोजन। काशी फिल्म महोत्सव का हुआ आगाज, 3 दिन तक चलेगा फिल्म महोत्सव। हेमा मालिनी समेत कई कलाकारों ने की शिरकत। कैलाश खेर के गीत पर जमकर थिरकी दिखी जनता। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में हुआ काशी फिल्म महोत्सव का आगाज। काशी फिल्म महोत्सव का हुआ आगाज, काशी झूमती दिखी, 3 दिन तक चलेगा फिल्म महोत्सव। हेमा मालिनी समेत कई कलाकारों ने की शिरकत। कैलाश खेर के गीत पर जमकर थिरकी वाराणसी की जनता। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में हुआ काशी फिल्म महोत्सव का आगाज। केंद्र सरकार की उच्च स्तरीय बैठक में हुआ फैसला, यूपी समेत चुनावी राज्यों में वैक्सीनेशन होगा तेज। चुनावी राज्यों में वैक्सीनेशन टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की बैठक के बाद दिए गए निर्देश। यूपी समेत 5 राज्यों में होने हैं विधानसभा चुनाव। केंद्र सरकार की उच्च स्तरीय बैठक में हुआ फैसला, यूपी समेत चुनावी राज्यों में वैक्सीनेशन होगा तेज। चुनावी राज्यों में वैक्सीनेशन टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की बैठक के बाद लिया गया फैसला। यूपी समेत 5 राज्यों में हो विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर टेस्टिंग और वैक्सीनेशन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। यूपी समेत कई जिलों में, कई राज्यों में वैक्सीनेशन बढ़ाया जाएगा, टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी, चुनावी राज्यों में वैक्सीनेशन बढ़ाया जाएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की बैठक में दिया गया निर्देश। आज चुनाव आयोग की टीम लखनऊ आएगी, बड़ी खबर सामने आ रही है। 28 से 30 दिसंबर तक चुनाव आयोग का दौरा। शाम 4 बजे राजनीतिक दलों के साथ होगी मीटिंग, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मिलेगी इलेक्शन कमीशन। सभी डीएम नोडल अफसरों से भी होगी मुलाकात। आज चुनाव आयोग की टीम लखनऊ आएगी, बड़ी खबर सामने आ रही है। 28 से 30 दिसंबर तक चुनाव आयोग दौरे पर शाम 4 बजे राजनीतिक दलों के साथ होगी मीटिंग। सभी डीएम नोडल अफसरों के साथ भी होगी मुलाकात। उन्नाव दौरे पर जाएंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, कई जगह पर जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश। सफीपुर में अखिलेश करेंगे जनसभा, बांगरमऊ में होगी अखिलेश की जनसभा। तो क्या वे अखिलेश यादव करेंगे जनसभा? उन्नाव दौरे पर जाएंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, कई जगह पर जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश। सफीपुर में अखिलेश करेंगे जनसभा, बांगरमऊ में होगी अखिलेश यादव की जनसभा। तकिया में अखिलेश यादव करेंगे जनसभा। उन्नाव दौरे पर जाएंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, कई जगह पर जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश। सफीपुर में अखिलेश करेंगे जनसभा, बांगरमऊ में होगी अखिलेश की जनसभा। सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने खरीदा हेलीकॉप्टर, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी है बृजभूषण शरण सिंह। हेलीकॉप्टर खरीदने वाले देश के पहले सांसद बने बृजभूषण शरण सिंह। कानपुर दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, आईआईटी के 54वें दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। शहवासियों को देंगे मेट्रो की सौगात, कई परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। कानपुर दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, बड़ी खबर सामने आ रही है। आईआईटी के 54वें दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। शहरवासियों को देंगे मेट्रो की सौगात, कई परियोजनाओं को दिखाएंगे हरी झंडी। कानपुर दौरे पर पीएम मोदी, आईआईटी के 54वें दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। कानपुर को देंगे बड़ी सौगात,
मेट्रो की सौगात देंगे पीएम मोदी, कई परियोजनाओं को दिखाएंगे हरी झंडी। सीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर की गोली मारकर हत्या, कार सवार गोलीबारी को बदमाशों ने दिया अंजाम। एटा जिले के रहने वाले थे मृतक संदीप गुप्ता, मौके पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स मौजूद। सिविल लाइन के टीआर कॉलेज तिराहे का मामला, सीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, बड़ा मामला सामने आया है। कार सवार गोलीबारी को बदमाशों ने दिया अंजाम। एटा जिले के रहने वाले थे मृतक संदीप गुप्ता, मौके पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।